हेलो, वेलकम टू कॉलेज किचन। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। इसके लिए हमने चिकन में दही डाल दिया है और इसमें लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसमें मिर्च पाउडर डालें। और इसमें नमक भी डाल दें। और फ्रेंड्स, हमने इसमें आलू भी कट करके डाल दिए हैं क्योंकि आलू में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करें। और इसे लगभग आधे से एक घंटे से मैरिनेट करके रख देंगे। अब तेल गरम करें। इसमें दो टुकड़े दालचीनी, चार इलायची और चार लौंग डाल दें और एक तेज पत्ता डाल दें। और फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दें। इसे अच्छे से लाल करना है। अब इसमें चिकन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाइए। अब टमाटर डाल दें। अब इसे पानी सूखने तक थोड़ा पकाना है। अब इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला डालें। लाल मिर्च डाल दें। और ये हमने चावल भिगो कर रखे हुए थे आधा घंटा, अब वो डाल देंगे। मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वादानुसार डाल लीजिए। अब इसमें एक कप पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और एक सीटी बजने से पहले ही गैस बंद कर देना है। कुकर खुद ठंडा होने दें, फिर खोलें। अब इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दें। हमारा पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे दही के साथ में खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।